नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हमने एक सेशन किया था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के ऊपर। आज उसका दूसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं, साइंस यानी विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। अगर आपने पहला पार्ट मिस किया है तो उससे वरेड होने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उसका लिंक अवेलेबल है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, उससे समझ विकसित कर सकते हैं और यहाँ से जुड़ाव आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। तब भी मान लीजिए समय नहीं है तो पहले आप दूसरा पार्ट देखें, फिर पहला देखें, तब भी बात बन जाएगी। कुल मिलाकर एनसीईआरटी ऑफिशियल पर सारी जो रिसोर्स मटेरियल है वो अवेलेबल है। तब भी अगर प्रश्न रह जाते तो आप फ़ोन कर सकते हैं, 8800-440-559, ये है वो टेलीफोन नंबर जहां पर आप हमें फ़ोन करके सीधे सीधे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और एनसीईआरटी ऑफिशियल का एक मेल आईडी है class9 के लिए, dts.class9@cit.nic.in, यहां पर भी आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर प्रियंका वर्षने, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लेडी इरविन कॉलेज से। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका। नमस्ते सर, कैसे हैं सर आप? मैं एकदम ठीक हूँ और आपके भी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। पूरे एनसीईआरटी परिवार की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की हम बात कर रहे थे। कुछ विद्यार्थी इसमें ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया होगा, तो छोटा सा एक रिकैपिटुलेशन हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। सो अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि सर ने कहा कि हमारा पहला पार्ट हो चुका है और दूसरा पार्ट आज हम समझने वाले हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो कि साइंस की टेक्स्ट बुक क्लास 9 का एक चैप्टर है। तो थोड़ा सा पहले क्विक रीकैप करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। सो दीज आर द थीम्स दैट वी हैड डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास। इन द प्रीवियस क्लास वी हैड टॉक्ड अबाउट नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड, कि हमारे लिए भोजन क्यों जरूरी होता है। और अगर हम इंडिया की बात करें, भारत जैसे एक बृहद देश की बात करें, तो वहां पे उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी एक्सेस, उसकी क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 1.4 बिलियन हम हैं, 140 करोड़ के आसपास हैं। तो हमने इससे रिलेटेड बात करी थी। आफ्टर दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट द इश्यूज, कंसर्न्स एंड चैलेंजेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, एंड वी हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। तो यहाँ पे हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात करी थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करी थी और बहुत सारे इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की बात करी थी। सो दिस वॉज द फाउंडेशन ऑफ दिस चैप्टर। इन टूडेज क्लास आई विल टेक द डिस्कशन फर्दर एंड आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स। In this slide, students, you can see the major focus of discussion today will be crop production management. In the previous session, if you see, it was crop variety improvement, means how we can improve the variety of seed that we are sowing in the farm. But here we are talking about crop production management, means once the seeds are sown, how we can nurture and take care of those crops. So here we will be talking about nutrient management. We'll be talking about the concept of irrigation, and we will also be talking about cropping patterns. And at the end of this session, I will be talking about crop protection management, means how we can protect the crop which is growing, and also after harvesting in the storage, how can we save it, how can we protect it. So this is, my major focus of discussion today. If you allow, I would like to move ahead and take up this discussion with the students. Sure, Priyanka ji, sure. Thank you, sir. So, students, let's start. Crop production management. Okay. So, now let's see what we have to do. Once the seeds are grown, what care we have to take. So, let's understand in Indian context. In India, farming ranges from small to very farm, very big farms. Like we see the farmers, there are farmers who have very small land with them. But there are farmers who have a very big land with them. So, there is a variety in the farmers. All the farmers are not same. Some farmers have very limited resources, very limited money, very limited finances. They may or may not be so much, you know, educated and aware about the latest agricultural techniques. While at the same time, there will be farmers who are comparatively well off. They are belonging to well off socioeconomic strata. They have many resources and they may also have, you know, nearby. Either they may be aware about it or they may have some nearby office, agricultural scientist or some kind of input. So they know that how properly they can take care of their crops. So there is a huge variety in the farmers. So number one that we have to understand that there is a huge variety, diversity which exists in the farmers in India. And keeping this in mind, we have to see that farmers will take up different care, different protection, different, you know, practices, keeping their means in mind. For example, if I as a farmer, I want to grow a very good crop,
but I do not have money to buy very costly fertilizers. So I should be aware what is the alternative. If I am not aware about the alternative, then of course my crop and its growth is going to be compromised. So this is where we will talk about that how are different means through which we can actually promote the growth of high yield, high quality and disease resistant variety, crop variety. So this was the context in which we have to understand that the production practices, they vary from no cost production means I as a farmer, I want to grow my crop, but I do not have any money. So this is no cost. Whatever I have in front of me, I will use it. But I am not in a position to use very costly pesticides, herbicides or, you know, fertilizers. Some farmers may say that I will be using some amount, but very costly I cannot do. But there will be farmers who will say, it's fine. I just want a good quality, high yield. But tell me what price is required. So this is what is that is the foundation. Now, we need to understand across this diversity, what is the first most requirement? If I want to grow my crop, the first thing is that I need to have healthy plants. How the plants will be healthy? Because in our context also, students, we need nutrients. Human beings, animals, we need nutrients for the growth and development. We talk about carbohydrate, protein, fats, water, vitamin and all. So similarly, nutrients are required by plants also to grow. Plants cannot grow without nutrients. And from where these nutrients will come? These nutrients will come either through air or soil or water that the plants are taking from the soil. So there are different nutrients which are there. For example, from air, plants get carbon because carbon dioxide is there. They take the carbon dioxide and they produce oxygen. So this process of photosynthesis takes place, prakash translation ki prakriya jisko hum kehte hain. So from air they get carbon and oxygen. And the water that the plants are taking through the roots, they are getting hydrogen and oxygen because the formula of water is H2O. So water is giving hydrogen also and oxygen also. While most important, 13 nutrients are there for the plant growth, for a good growth of the plant, which are there in soil. Okay. And we can divide these nutrients into two types, macronutrient and micronutrient. Macro means big. Big means they are required in large quantities. They are very important. But nonetheless, there are some nutrients which are required in minute quantities, small quantities, but their importance cannot be denied. So we have 13 nutrients, 6 are the macronutrients and 7 are the micronutrients. So in macronutrients, students, we have nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur. In micronutrients, we need iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum and chlorine. These are the nutrients that are required. So if these nutrients are provided to the plants in optimum amount, it will actually increase and boost their growth. They will be having good branches, good stem, they will be having good quality of fruits, good quality of flowers, you know, whatever crop we are growing. So it will be good. High in number, high in quality. So the first and foremost thing for me as a farmer is that I need to ensure that all these nutrients are available to the plants in optimum amount. Now, when we say that we want to provide nutrients to the plants, there are different ways through which we can do. Either the natural nutrients are there in the air, water and the soil which is there, but we have a limited land and every time in rotation we are using the same land on growing for growing the plants, for growing the crops. So many times it so happens over a long period of time, there is a nutrient deficiency in the soil. Soil may not have required amount of nutrients, but we want to grow our crop. So we have to provide the nutrients. Now this nutrients can be provided through various means. One of the means, students, is manure. Okay. And the other is giving the fertilizer. So many times there is a lot of confusion between, you know, what is manure, what is fertilizer. So I would attempt here to give you a clear picture with reference to the difference between manure and fertilizer. So when we talk about manure specifically, manure is that substance which has large quantities of organic matter. Organic matter bahut zyada hota hai usme. When I talk about nutrients, they are also there, but they may not be there like, you know, in a saturated amount. They might not be so much, so many nutrients, but organic matter is there and some good amount of nutrients are also there in the manure. Okay, and how we produce? Like animal waste is there, cow dung is there, plant waste is there, peels of the plants, weeds are growing in the fields. So all these things are put into one compost
one kind of, you know, pit, and they are left there for a long period of time. So they get naturally decomposed by the bacteria, decomposing bacteria, which are there in the soil. And then manure is produced. This manure can be used, you know, this manure can be put, can be sprinkled in our fields. And this may act as a very good source of nutrient for our plants. So it is going to help in two ways. Number one, it will help my plants to have good nutrient amount, but at the same time, because manure is having organic matter also, so it helps in improvement of the structure of soil. In a long run, if you are using the manure, it will improve the quality of soil. So it is not only giving the 13 nutrients which are required, it will also improve the structure of soil, which is going to be very useful in a long run for cropping or for agriculture. So this is very important to understand that this is the way, if we use the manure, we can ensure the good nutrient availability for our plants. Now, how can we do it? So there are different means through which we can make the manure. One of the very famous, I would say, that you've been hearing in your previous classes also, is about composting and vermicomposting. These days, these things are so, being promoted, keeping the sustainability and sustained development in mind. In schools also, otherwise also, there is a lot of talk about creating the compost and vermicomposting, and these are very easy. What is composting? It is nothing, but you know, in your houses also, in your surrounding also, we have so many vegetable and animal waste. Like every day we are using the fruits or vegetables or, you know, some other form of peels and other things. So these things can be in a long way, maybe we have some open area in our surrounding. We can create a pit and we can put all these things inside and we can just cover it and leave it for a long period of time. Naturally, decomposing bacteria are there and in a long run, they will create the compost. So many times, sir, there are many, I have heard that, you know, many people are very fond of gardening. So they create their own compost in their houses and then they use it to create the good nutrient amount in their plants. So this is one way of composting. Another is vermicomposting. That is also very important. Vermi means worms. Worms means earthworm. जिसको हम हिंदी में केंचुआ कहते हैं तो ये जो अर्थवॉर्म्स होते हैं जो केंचुए होते हैं ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए यूजफुल हैं एग्रीकल्चर में और इसको हम ये भी कहते हैं दे आर फार्मर्स फ्रेंड मतलब किसानों के मित्र हैं ये क्यों क्योंकि नेचुरली अगर आप इनको सॉइल में अर्थवॉर्म्स को छोड़ देते हैं तो ये नीचे जाते हैं फिर वहां पे ये सॉइल को खाते हैं और फिर उसके बाद ऊपर आते हैं और फिर उसके बाद इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो ऊपर आ जाता है तो इस तरीके से रीशफलिंग ऑफ सॉइल हो जाती है तो इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स नीचे हैं वो ऊपर आ जाते हैं तो इससे और एरेशन भी हो जाता है सॉइल का तो वर्मी कंपोस्टिंग भी बहुत अच्छी रहती है सो कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग आर टू मेथड्स थ्रू व्हिच वी कैन क्रिएट अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ मैन्यूर वेल प्रियंका जी आपने बहुत कमाल की ये दोनों चीज़ें बताई यहाँ पर कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्ट के बारे में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं तब भी हम सुनते हैं जो कि बहुत पॉपुलर सी नज़र आती हैं लाइक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग हम चाहते हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्जैक्टली इसके मायने क्या हैं इसकी क्या खेती है कैसे इसको करते हैं इससे क्या मायने हैं थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं थैंक यू सर ये बिल्कुल एकदम टाइमली क्वेश्चन आपने यहाँ जरूर रेज किया है मैं कहूंगी क्योंकि मैन्योर की बात तो मैं कर ही रही हूँ और आपने जब मुझसे ये चीज पूछी है ऑर्गेनिक फार्मिंग की ये बहुत ही रेलेवेंट है स्टूडेंट्स क्योंकि जब हम मैन्योर की बात करते हैं अभी मैं फर्टिलाइजर्स भी आपको बताऊंगी और डिफरेंस भी बताऊंगी लेकिन मैन्योर से आप सीधा रिलेशनशिप ये समझ सकते हैं कि आजकल हम जहां भी जाते हैं जहां भी सुनते हैं हमेशा ये प्रमोट किया जाता है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए इसका मतलब यही है कि हमें जितनी भी नेचुरल वेज हैं उनकी तरफ वापस जाना चाहिए क्योंकि लॉन्ग रन में अगर हम देखें जैसे मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी थी तो ग्रीन रेवोल्यूशन में भी हमने क्वांटिटी को बढ़ाया लेकिन उसमें हमने बहुत सारे फर्टिलाइजर्स भी यूज करे तो केमिकल फर्टिलाइजर्स की जब हम बात करते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता तो उससे क्या होता है कि लॉन्ग रन में हमारे जो सॉइल का हेल्थ है वो इतना अच्छा नहीं हो सकता है दूसरी बार ऐसा होता है सर कई बार जो फर्टिलाइजर्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में अंदर नहीं जाते और वहां पे अगर प्रॉपर इरिगेशन नहीं हुआ है जैसे सिंचाई जिसको हम हिंदी में कहते हैं हमने फर्टिलाइजर डाल दिया फर्टिलाइजर डालने के बाद में जब हमने सिंचाई करी जब हमने इरिगेशन किया तो कई बार उस टाइम तक वो सॉइल में नहीं जाता और उस वाटर के साथ वॉश हो जाता तो पहली बात तो हमारा फर्टिलाइजर वेस्ट हो गया जो हमने डाला और वो वॉश होकर जब चला जाता है वो नदी नालों में पहुंचता है तो वहां पे वो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है क्योंकि बहुत हैवी अमाउंट में एक साथ केमिकल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं नाइट्रोजन है फॉस्फोरस है पोटेशियम है ये एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है तो इससे वाटर पॉल्यूशन हो सकता है दूसरा हमारे जो सॉइल होती है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने में तो कई बार फर्टिलाइजर्स को जब हम यूज करते हैं हैवी अमाउंट में तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं
तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कोई ऐसी नई चीज नहीं है, कोई लेटेस्ट नहीं आया कि अभी आया है और मार्केट में है, ट्रेंड में है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेडिशनल वे से जैसे किसान पहले फार्मिंग करते थे जब फर्टिलाइजर्स नहीं आए थे, केमिकली बेस्ड फैक्ट्री बेस्ड फर्टिलाइजर्स नहीं आए थे, तो ऐसे ही कंपोस्ट बनाई जाती थी और ऐसे ही वर्मी कंपोस्टिंग के थ्रू हम खाद बनाते थे, जिसको हम देशी भाषा में कहते हैं खाद बनाते थे, और उसको हम यूज करते थे। तो उसमें न्यूट्रिएंट भी होते थे, उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता था, और उससे हमारे जो सॉइल का स्ट्रक्चर है और जो हमारे बैक्टीरिया है सॉइल में और जो प्लांट की ग्रोथ है वो नेचुरल होते थे और उसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं होते थे। तो अभी लॉन्ग रन में कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज अभी प्रोसेस में है, तो कहा जाता है कि हमें कैंसर है, बाकी बीमारियां हैं, कई ऐसी बीमारियां निकल रही हैं जिसमें कई बार हम सरप्राइज होते हैं कि हमारी कोई हिस्ट्री नहीं रही, कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, एकदम से बीमारी कैसे आ गई। सो पीपल से बिकॉज वी हैव डाइवर्टेड फ्रॉम द नेचुरल मींस, अब हम केमिकल बेस्ड लाइफ को जी रहे हैं, तो इसी वजह से हमें बहुत सारी जो डिसीजेज हैं वो अंदर ही अंदर हमें आ रही हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट वी आर पेइंग अ ह्यूज कॉस्ट। तो इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है कि हम नेचुरल खाद को यूज करें, जितने भी हमारे अगर पेस्टिसाइड की भी हमें जरूरत है तो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स भी नेचुरल हैं जिनको हम यूज करें, तो इसीलिए इसको प्रमोट किया जाता है। चलिए आज समझ में आया कि ऑर्गेनिक खेती वास्तव में क्या है और इसके पीछे आखिर क्यों जाना चाहिए। नहीं, बात भी ठीक है, आपने एक थोड़ी सी समय की बात भी यहाँ करी कि मान लीजिए कुछ समय पहले जो खाद बीज नहीं होते थे तो किसान आखिर किस तरीके से खाद वो जनरली बनाते थे, और वो जो जो चीज़ें हमें शुद्ध रूप में मिलती थी शायद वो अब हमें प्राप्त नहीं हो रही हैं। और उसका सीधा सा उदाहरण है कि 90 साल का एक बुजुर्ग पूर्णतः स्वस्थ है और 40 से 45 वर्ष के अवस्था का व्यक्ति डायबिटीज बीमारी घातक बीमारियों से ग्रसित है, कितना अंतर है। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, आगे बढ़ते बिल्कुल सही जी। बात आपने सर कही, बिल्कुल आपने, मैं कहूंगी आपने क्रक्स कहा है, एक आम भाषा में अगर कहें तो अगर हम सिर्फ दो लोगों को कंपेयर कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि हम जिस तरह का फूड इस समय कंज्यूम कर रहे हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे हेल्थ पे हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो सर इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग की बात करी, ग्रीन मैन्योर भी एक चीज होती है, ये भी बहुत सिंपल तरीका है। इसमें क्या होता है कि कई बार जैसे मान लीजिए हमें अपना क्रॉप ग्रो करना है, तो जिस क्रॉप को हमें ग्रो करना है उसके सीड को डालने से पहले वहां पे कुछ प्लांट्स उगाए जाते हैं, जिसको जैसे सन हेम्प है, गुआर है, ये कुछ प्लांट्स को उगाया जाता है, तो थोड़े थोड़े ये प्लांट्स उग जाते हैं, उसके बाद इनको प्लोइंग के थ्रू इनकी मल्चिंग कर दी जाती है, मतलब दबा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि नेचुरल कंपोस्टिंग हो जाती है और नेचुरली मैन्योर क्रिएट हो जाती है वहां पे, और उसके बाद हम उस सीड को ग्रो करते हैं। सो दिस इज नोन एज ग्रीन मैन्योर, ये भी बहुत नेचुरल तरीका है और उसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स को एंश्योर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर सर, जैसे मैं आपसे बात कर रही थी तो वही चीज मैंने रेफर किया, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपके लिए इसको पॉइंटर्स में मैं लेके आई हूँ। और अगेन आई वुड से कि जो हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं और मैन्योर की बात करते हैं तो डिफरेंस यही है, मैन्योर नेचुरल प्रोड्यूस होते हैं, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। हैविंग सेड दैट, आई विल नॉट से कि हमें बिल्कुल फर्टिलाइजर यूज नहीं करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहूंगी, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट्स तो हैं। अगर कोई ऐसी सॉइल है जिसमें बिल्कुल ही न्यूट्रिएंट नहीं है और हम वेट नहीं कर सकते हैं कि सालों में, आज से 5-10 साल में 15 साल में जो सॉइल है वो जब अच्छी होगी, हेल्दी होगी धीरे धीरे मैन्योर से, तब मैं उगाऊंगी, बिकॉज अवर फार्मर्स, एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, अवर फार्मर्स मे नॉट बी दैट मच प्रिविलेज्ड दैट दे कैन वेट फॉर 10 or 15 years, सो ऑफकोर्स फॉर दैट दे नीड फर्टिलाइजर्स ऑल्सो, सो इट हैज टू बी अ गुड मिक्स ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, एंड ऑफकोर्स एज मच एज पॉसिबल वी शुड मूव टुवर्ड्स द मैन्योर्स ओनली, बिकॉज यहाँ से उनको स्टूडेंट्स ये समझने की जरूरत है कि यहाँ से हमारे प्लांट्स को वहां पे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और उनकी जो ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी। लेकिन फर्टिलाइजर्स को भी जब हम यूज करते हैं तो हमेशा ये हम ध्यान रखें प्रिकॉशंस की, जिसकी हम बात करते हैं कि हम किस टाइम पे फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हैं, किस अमाउंट में हम यूज कर रहे हैं, उसके डालने से पहले सॉइल की कंडीशन क्या थी, उसके डालने के बाद सॉइल की कंडीशन क्या थी, और इरिगेशन जब हम कर रहे हैं तो हम इस तरह से ना करें कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं वो वॉश अवे हो जाएं। अगर हमने डाला है सॉइल के न्यूट्रिशन के लिए तो वो उसमें चला जाएगा तो यूजफुल रहेगा, बेनिफिशियल। सो दिस इज अबाउट फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग की सर जैसे मैंने बात करी, क्योंकि आपने बहुत एप्ट क्वेश्चन उठाया था, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस। स्टूडेंट्स अगेन आई वुड जस्ट से ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि हम नेचुरल चीजों की तरफ जाएं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हों हम वो नेचुरली यूज करें, केमिकल बेस्ड फैक्ट्री बेस्ड जितने भी हमारे ओवर कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको हम अवॉइड करें। जैसे इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसको हम एज अ बायो फर्टिलाइजर अपने सॉइल में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नीम लीव्स हैं, टर्मरिक है,
उनको हम उनके स्टोरेज में यूज कर सकते हैं एज अ बायोपेस्टिसाइड। ऐसे बहुत सारे हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, जैसे मिक्स क्रॉपिंग है, इंटरक्रॉपिंग है, क्रॉप रोटेशन है, ये बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम एक हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट को इंश्योर कर सकते हैं। तो ये सब पार्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, यही तरीका है। एक सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं प्रियंका जी यहाँ पे, जहाँ पर आपने इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन दो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, अगर मैं जानना चाहूँ तो? ओके सर, आई वुड डेफिनेटली डू सो, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन आल्सो इन बिटवीन, यू नो, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, सो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, बट आई विल जस्ट टेक 2-3 मिनट्स, आफ्टर दैट आई विल आंसर योर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग वाज दैट हाउ वी आर यूजिंग द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, सेकंड थिंग इज हाउ वी आर डूइंग इरिगेशन, मींस सिंचाई कैसे कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स फॉर दैट इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी ऑफ कंट्री। तो अगर हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को देखें तो ये रेनफेड एरिया है, और अगर सॉरी ये रिवर हमारी है यहाँ पे, और अगर हम दूसरे को साउदर्न पार्ट को देखें तो वहाँ रिवर्स का इतना नहीं है, जैसे गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, ये नॉर्दर्न पार्ट में है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इंडिया को देखें तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कि रेनफेड है, मतलब कि वहाँ स्टोरेज नहीं है, जब बारिश आती है तभी सिंचाई होती है। तो अगर बारिश नहीं आई, बाय चांस किसी टाइम मॉनसून नहीं आया, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, कई बार ऐसा आता है कि किसान बहुत परेशान है, बारिश नहीं हो रही है, फसल खड़ी हुई है, अगर सिंचाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम एक बैकअप प्लान करें, बाय चांस अगर कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है या बारिश कम आ रही है तो फिर हम पानी को कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं जिनको ट्रेडिशनली यूज किया जाता रहा है, जैसे वेल्स हैं, वेल्स का मतलब कुआं। तो ये दो तरीके के होते हैं, डग वेल एंड ट्यूब वेल। तो डग वेल तो सिंपल है, जहां पे डीपर हम चाहते हैं और वहां पे जो हमारे डीपर स्ट्रेटा है अर्थ पे, जहां पे पानी होता है, वहां से हम पानी को प्रोक्योर करते हैं, वाटर को प्रोक्योर करते हैं। दूसरा होता है हमारा ट्यूब वेल, इसमें हम नीचे तक ट्यूब जाता है और फिर हम पंप की मदद से पानी को ऊपर खींचते हैं, तो वो ट्यूब वेल होता है। तो ये ग्राउंड वाटर को हम यूज कर रहे हैं दोनों ही केसेस में, चाहे वो डग वेल हो चाहे वो ट्यूब वेल हो। इसके अलावा कैनल्स, जिसको हम आम भाषा में नहर कहते हैं, बहुत जगह अगर आप कभी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको नहर दिखाई देंगी। तो वो क्यों होती है, वो नहर ऐसा होता है कि आसपास जहां भी बड़ी नदी होती है वहां से पानी को काट के हम उसको खेती बाड़ी के एरिया में ले आते हैं और वहां से हम उस नहर को सिंचाई के लिए यूज करते हैं। तो ये भी एक ट्रेडिशनल तरीका है कि अगर मान लीजिए बारिश नहीं आती है तो हमने नदी से लिया हुआ है उसको कैनल को, उसको नहर को, और वहां से हम उसको सिंचाई के लिए यूज कर रहे हैं। इसके अलावा रिवर लिफ्ट सिस्टम होता है, मतलब कहीं कहीं बड़ी बड़ी नदियां होती हैं जहां पे हमें लगता है कि ज्योग्राफी को देख के हम नहर नहीं काट सकते हैं, क्योंकि हर जगह हम नहर नहीं निकाल सकते हैं, कैनल नहीं निकाल सकते हैं। तो वहां पे एक लिफ्टिंग सिस्टम लिया जाता है जहां से आसपास का जो नदी का एरिया होता है उसको एटलीस्ट हम पानी प्रोवाइड करा सकते हैं। टैंक्स होते हैं, स्टोरेज टैंक्स होते हैं, उनको हम लेते हैं। इसके अलावा बहुत ही कॉमनली यूज लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल तरीका रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, उसको बहुत प्रमोट किया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े जगह जैसे जिसको हम कहते हैं पोखरी होती है, तालाब होती है, पॉन्ड्स होते हैं, ऐसी चीजें अगर हम क्रिएट करें नेचुरल बॉडीज जहां पे जब बारिश होती है तो पानी स्टोर हो जाए और उस पानी को हम बाद में सिंचाई के लिए यूज कर लें, इरीगेशन के लिए यूज कर लें। तो ये सब ट्रेडिशनल तरीके हमें इंश्योर करने पड़ेंगे अगर हम एक अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन को चाहते हैं। इसके अलावा सर, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, आई वुड लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन। क्रॉपिंग पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टूडेंट तरीका होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। ओके, मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब यह है कि जब हम क्रॉपिंग कर रहे हैं, जब हम अपनी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही तरह के क्रॉप को ग्रो ना करें, 2-3 क्रॉप से कॉम्बिनेशन में करें। तो जैसे बहुत सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन देखे गए हैं, वीट एंड ग्राम, गेहूं और चने को अगर हम साथ में हम ग्रो करते हैं तो उसकी अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन देखा गया है। वीट एंड मस्टर्ड, गेहूं और सरसों को साथ में उगाते हैं तब भी बहुत अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन देखा गया है। ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर, मींस मूंगफली और सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो है। तो इससे क्या होता है, ये इसलिए करा जाता है मिक्स क्रॉपिंग, क्योंकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अलग अलग क्रॉप की अलग अलग होती है। तो जब आप उसको ग्रो करना शुरू करते हैं तो वो जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है वो हमारे कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाती है और उससे हमें एक अच्छा देखा गया है कि क्रॉप प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा इंटरक्रॉपिंग, जैसे मैंने साथ में एक इमेज भी शेयर करी है, स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, इसमें मेज, सोयाबीन, इन सबको हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से ग्रो करा गया है। इसमें अल्टरनेट पैचेस बनाए गए, जैसे रोज बनाई गई है, लेट्स से एक रो हो गई हमारी एक सोयाबीन की, दूसरी हो गई फिर मेज की, फिर हो गई सोयाबीन की, फिर हो गई मेज की, इस तरह से अल्टरनेट पैटर्न में हम ग्रो करते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पेस्ट है जिसने अटैक कर दिया, कोई इंसेक्ट है जिसने अटैक कर दिया आपकी क्रॉप को, तो वो दूसरे पे जंप नहीं कर पाएगी क्योंकि इमीडिएटली साथ में नहीं है, तो उसका स्प्रेड रुक जाएगा, न्यूट्रिएंट जो है वो सही हो जाएंगे, पानी की अवेलेबिलिटी अगर कम है तो उसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं। तो इसका सोच विचार करके ही क्रॉप्स को चुना जाता है इंटरक्रॉपिंग में।
इसके लिए सोयाबीन और मेज का एग्जाम्पल बहुत अच्छा देखा गया है, जिसमें फिंगर मिलेट यानी कि बाजरा और लोबिया को अगर हम साथ में उगाएं तो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखा गया है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटरक्रॉप. यहाँ पे एक थर्ड चीज है क्रॉप रोटेशन, वो भी बड़ी जरूरी है. प्रियंका जी, सिर्फ एक मिनट का समय हमारे पास बाकी है, मैं चाहता हूँ इसे आप जल्दी से समाप्त करें. मैं इसी के साथ वाइंड अप करूंगी सर, इसको टाइम को ध्यान में रखते हुए. तो स्टूडेंट्स, क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि पहले एक क्रॉप हमने ग्रो किया, उसके बाद दूसरा क्रॉप ग्रो किया, तो एक सर्कुलर प्रोसेस होता है. तो इससे भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है हाई यील्ड को लेने. सो दिस इज क्रॉप रोटेशन. क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमें ये देखना होगा कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नुकसानदायक. तो सबसे पहली चीज होती है वीड्स, ठीक है. वीड्स होती हैं हमारे क्रॉप में ग्रो करती हैं. वो सिंपली आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो वो प्लांट्स होते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, और वो क्या करते हैं, वो स्पेस के लिए, लाइट के लिए, फूड के लिए हमारे क्रॉप प्लांट से फाइट करते हैं. तो हमें वीडिसाइड यूज करनी पड़ती है ताकि हम उस वीड को खत्म कर सकें. हम हाथ से भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे वीडिसाइड्स भी यूज कर सकते हैं. प्लांट्स को कई बार बीमारी हो जाती है, वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया लग सकता है, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है जिसको हम पेस्टिसाइड, पेस्ट है तो पेस्टिसाइड यूज करते हैं उसके लिए हम. तो पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, फंगिसाइड है, ये वो चीजें हैं जिनसे हम उनको रिमूव करते हैं. तो आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे, अगर इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन है उसके लिए पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, वीड्स के लिए भी किया जाता है, डिसीजेस के लिए भी किया जाता है, ठीक है. इससे हम अपना उसको हेल्दी बना सकते हैं. लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स, हमने अच्छा हार्वेस्ट ले लिया, उसको उगा लिया, अब उसका स्टोरेज बहुत जरूरी है. अगर आप अच्छे से स्टोर नहीं करते तो सारी मेहनत किसानों की खराब है. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम समझें वहां पे फंगस हो सकता है, माइट्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, रोडेंट्स यानी कि चूहे हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकता है, उसको कंट्रोल करना, एबायोटिक फैक्टर यानी कि मॉइस्चर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, उसको कंट्रोल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए यूजुअली सर हमेशा जब क्रॉप ग्रो हो जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है, तो उसके बाद सबसे पहले तो उसे क्लीन किया जाता है. अगर उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है तो उसको हटाया जाता है, फिर सनलाइट में और शेड में सुखाया जाता है, और उसके बाद ही स्टोर किया जाता है. So this is something, students, I would wind up my presentation here by saying that this is the entire process of ensuring a good crop yield. So with this, I would like to wind up my presentation, sir. राइट, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन आपने हमारे 9th क्लास के बच्चों को यहाँ पर प्रोवाइड कराएं. निश्चित रूप से ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आप फसलों से प्रेम रखते हैं, उल्फत रखते हैं, उनके बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं जान रहे हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें भी जाकर उतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जिसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है. तो दोनों सेशन अब NCERT के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे बच्चों को प्रोवाइड करें, उसके लिए आपको थैंक यू सर. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. अगला सेशन है वेबिनार, जहां पर आप जानेंगे साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो कि वेबिनार एक सीरीज है, आज चूंकि फ्राइडे है, वहां पर आप आज खास जानकारी प्राप्त करेंगे ईमेल एंड ब्राउजर सेफ्टी के बारे में. छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए प्रधानमंत्री विद्या चैनल के साथ.